नमस्कार साथी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज किस वीडियो में रेखाचित्र पढ़ेंगे हम, जितने भी हिंदी में इंपॉर्टेंट रेखाचित्र हैं तो ज़्यादा संख्या नहीं है, जितने भी संस्मरण थे उसके ऊपर वीडियो बना दी हमने। आत्मकथा जीवनी के ऊपर वीडियो बना दी, तो रेखाचित्र के ऊपर वीडियो बना रहे हैं साथियों, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। रेखाचित्र है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। रेखाचित्र में भी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है, जिस प्रकार से संस्मरण में किया जाता है। यह जो अंकन है किसी व्यक्ति, किसी घटना, वस्तु, किसी के बारे में बताना, ठीक है, ये अंकन जो है पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर किया जाता है। जो रेखाचित्रकार है ना, वो अपने आप को अलग रखता है, अपने अनुभव नहीं डालता है इसमें, बल्कि संस्मरणकर्ता जो है वो अपने अनुभव भी बीच में डालता है, लेकिन इसमें जो अनुभव वगैरह है रेखाचित्रकार वो नहीं डालता है, अपने आप को पूर्णतः तटस्थ मतलब अलग रखता है, ठीक है। जो चीज़ उसको दिखाई देती है उसको ही अंकित करते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे एक ड्राइंग बनाने वाला इंसान जो है, जो ड्रॉ करता है एक पन्ने के ऊपर किसी की तस्वीर खींचता है, वैसे की वैसे उतारता है ना, उसी प्रकार से रेखाचित्र में रेखाएं बोलती हैं। जिस प्रकार कुछ थोड़ी सी रेखाओं का प्रयोग करके रेखाचित्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषता को उभार देता है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी मूलभूत विशेषता के साथ सजीव कर देता है। रेखांकन करते समय वह अपने को तटस्थ रखने की चेष्टा करता है, वस्तु को ही महत्व देता है, जो है उसको ही महत्व देता है। तो और इसका ये भी हम बोल सकते हैं कि संस्मरण से जो आकार है रेखाचित्र का वो थोड़ा सा संकुचित होता है, छोटा होता है, इसमें बेकार की बातें नहीं, जो है वही दिखा जाता है, ठीक है साथियों। विषय को ही रूपायत करता है। जब कभी उसकी तटस्थता भंग होती है तो रंगों की चटक में रेखाएं डूब जाती हैं, अर्थात तटस्थ होना रेखाचित्रकार का होना बहुत ज़रूरी है। तटस्थ का मतलब है अपने अनुभवों को अलग रखना और जो चीज़ है उसको वैसे के वैसे लिखना, यही है रेखाचित्र, ठीक है साथियों। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केच। तो साथियों, हिंदी साहित्य में जितने भी इम्पोर्टेंट रेखाचित्र है वही लेकर आया हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वही। और वैसे तो बहुत सारी संख्या भी बच जाती है रेखाचित्रों की, लेकिन वो मुझे लगता है हिंदी मास्टर कैडर में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वही जो फेमस हैं, ठीक है, पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है साथियों, ये लिख लीजिएगा आप। और पद्म सिंह शर्मा को हिंदी का पहला रेखाचित्रकार भी माना जाता है, हालांकि पद्म सिंह शर्मा के बारे में ये भी विवाद है कि ये हिंदी के पहले संस्मरणकार हैं, संस्मरणकर्ता हैं, ठीक है, और लेकिन रेखाचित्रकार आप मान के चलिए इनको पहले रेखाचित्रकार। और उनकी जो कृति है पद्म पराग, ये इनका पहला रेखा चित्र माना जाता है, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष इसका 1929 ईस्वी, याद कर लीजिए साथियों। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में आया, हालांकि कुछ लोग इसको संस्मरण भी मानते हैं, ये दिक्कत है साथियों। श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति है जी शब्द चित्र एवं रेखाचित्र 1940 ईस्वी, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच 1947 ईस्वी में, ये भी रेखाचित्र हैं। आगे साथियों, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, ये भी रेखाचित्र माना जाता है महादेवी वर्मा जी का। आगे जो भूल ना सका वधंत आनंद वधंत आनंद कौशल्यान, ठीक है साथियों, ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी, गेहूँ और गुलाब 1950 ईस्वी, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए ये रेखाचित्र हैं, ठीक है साथियों। और एक बात बता देते हैं कि माटी की मूर्तियाँ जे जूसी नेट की परीक्षा में भी कृति लगी हुई है, ठीक है, रेखाचित्र लगा हुआ है जूसी नेट के सिलेबस में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें 12 कुल कितने रेखाचित्र हैं, 12 हैं, ठीक है, बाल गोविंद भक्त हो जाए, रजिया हो जाए, और भी बहुत सारे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, गेहूँ और गुलाब को विराम वृक्ष बेनीपुरी के। आगे साथियों, देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाचित्र कृति जो है रेखाएँ बोल उठी 1949। आगे है सत्यवती मलिक मिट रेखाएँ 1951। आगे साथियों, बनारसीदास चतुर्वेदी की कृति है रेखाचित्र 1952 में। आगे विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग 1955। आगे है उपेंद्र नाथ अशक, जो इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है, और रेखाएँ और चित्र 1955। सेठ गोविंद दास, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, सेठ गोविंद दास की स्मृति कन 1959, हालांकि इसको कुछ लोग संस्मरण भी मानते हैं। आगे साथियों, प्रेम नारायण टंडन रेखाचित्र 1959।
आगे है साथियों जगदीश चंद्र गुप्त, जय इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, नाटककार के रूप में लगे 10 तस्वीरें नाम से इन्होंने रेखा चित्र लिखा, हालांकि इसको संस्मरण भी माना जाता है। रामनाथ सुमन, बाबूराव विष्णु पराड़कर, ये इसका इस भी सन नहीं, इसका प्रकाशन सन नहीं उपलब्ध है। आगे साथियों वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, 1965 में ये रेखा चित्र है, हालांकि कुछ लोग इसको संस्मरण भी मानते हैं, तो दिक्कत है साथियों। ये विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएँ 1965। महावीर त्यागी, महावीर त्यागी मेरी कौन सुनेगा, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है। आगे साथियों हम हस्मत, हालांकि ये संस्मरण लघु उपन्यास और रेखा चित्र तीनों माना जाता है, तो कृष्णा सोपती आना था यहाँ पर, ठीक है हमशद। आगे साथियों कुछ और नाम हैं, जैसे आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी ने लिखा है इसे, आदमी से आदमी तक, ठीक है। आगे है साथियों विरामचिन्ह, ठीक है साथियों, जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक, हालांकि कुछ लोग इसको निबंध संग्रह या हास्य निबंध संग्रह भी मानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हो गया अभी रेखा चित्र के बारे में, ओके साथियों, तो याद करते रहिए आप, और इन सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में, यात्रा वृत्तांत लेकर आएंगे, तो